एक 2000 साल पुराना कंप्यूटर। उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड गियर्स और अंदरूनी हिस्से थे जितने स्विस वॉच में नहीं होते। विशाल पावर प्लांट्स। ये बहुत अजीब है लेकिन ये बैटरी ही है। और आज के जमाने के हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार। और उससे तेज आवाज के साथ आग बरसने लगती थी। दुनिया भर में ऐसी चीजें और कहानियां मिलती हैं जिनसे लगता है कि पुराने जमाने में विकसित टेक्नोलॉजी मौजूद थी। क्या ये सिर्फ हमारे पूर्वजों की कोरी कल्पनाएं थीं? या इसके पीछे कोई और बेहद हैरतअंगेज वजह है? यह सुनकर हैरानी होती है कि उनके पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी रही होगी, मगर हाँ, ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी ही थी। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या रहस्यमय डिवाइसेस से इस बात के सबूत मिल सकते हैं? Ancient Aliens। Mysterious Devices। Giza Necropolis, Egypt, 1993। Engineers की एक टीम एक remotely operated कैमरा की मदद से ये पता करने की कोशिश करते हैं जिसे लोग पहले ग्रेट पिरामिड के क्वींस चेंबर में बना एयरशाफ्ट समझते थे, असल में उसका काम क्या था। 1872 में इसकी खोज हुई थी और आर्कियोलॉजिस्ट यही मानते थे कि ये लंबी पतली सुरंगें हवा आने जाने का रास्ता थी। वो रोबोट उस छोटी सी शाफ्ट से आगे गया जो कि इतनी छोटी थी कि उसमें से कोई इंसान या डिवाइस नहीं जा सकता था, लेकिन आगे जाकर उसे एक बंद दरवाजा मिला जो दो छोटे मेटल क्लैंप्स के सहारे लगा हुआ था। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक उस दरवाजे को जानबूझकर लगाया गया था और उसे मिसाल के तौर पर उस रास्ते की तरह बनाया था जिससे गुजरकर रानी आत्माओं की दुनिया में जाती। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये सवाल उठाते हैं कि उस जमाने के लोग एक रास्ता बनाकर उसे जानबूझकर बंद क्यों करेंगे, और एक ऐसा प्लेटो जिस पर ढेर सारे ऐसे विशाल पिरामिड्स बने हैं जो शाही मकबरे हुआ करते थे, उन सब के बीच सिर्फ ग्रेट पिरामिड में ऐसा दरवाजा क्यों है? इजिप्टोलॉजिस्ट को ऐसा कहना बहुत पसंद है कि पिरामिड्स मकबरे हैं और उनके मुताबिक उनमें रखे सामान को किसी जमाने में लूट लिया गया था। लेकिन सच तो यह है कि हम इंसानों को 20वीं सदी में ऐसे कई पिरामिड्स मिले हैं जिनके अंदर एक कमरा बना था जिसे किंग्स चेंबर कहते हैं, लेकिन जब उसमें रखे सार्कोफेगस को खोला गया तो वो सार्कोफेगस भी एकदम खाली मिला। अगर ग्रेट पिरामिड एक मकबरा नहीं था तो उसका असली मकसद क्या था? मई 2011 में रिसर्चर्स की एक टीम ने क्वींस चेंबर में उस बंद एयरशाफ्ट में और आगे जाकर देखने का फैसला किया। इस बार इस टीम ने एक रोबोट को माइक्रो स्नेक कैमरा लगाकर भेजा जो दरवाजे के छेद से अंदर जाकर दिखा पाए कि उसके पार क्या था। और जब वो इस छोटे से दरवाजे के पार गए तो उन्हें पिरामिड के अंदर एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसमें उन लोगों को कॉपर फिटिंग्स या मेटल फिटिंग्स मिली। इन मेटल फिटिंग्स की एक और कमाल की बात ये थी कि इन पर एक तरफ से थोड़ी सी जंग लगी हुई दिख रही थी। उस कैमरा को जब नीचे घुमाकर जमीन की ओर देखा गया तो वहां पर उन्हें लाल रंग के निशान दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुझे यही लगता है कि वो निशान इलेक्ट्रिकल सिंबल्स थे, मगर उन्हें वहां क्यों बनाया गया था? क्या इन चीजों के मिलने का मतलब ये है कि किसी जमाने में उस पिरामिड में बिजली दौड़ा करती थी? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि गीजा का ग्रेट पिरामिड असल में एक मकबरा नहीं बल्कि जैसा कुछ रिसर्चर्स कहते हैं एक पावर प्लांट था?
अगर हम उस माउस के मकबरा होने की बात को भूलकर पिरामिड्स को देखें तो हमें ऐसी चीजें दिखेंगी जिसे आजकल के आधुनिक इंजीनियर्स पहचान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये पिरामिड्स बहुत ही सटीक मापदंडों के साथ बनाए गए हैं। उनके नाप तोल में एक इंच की भी गलती नहीं है। ये वाकई में बहुत कमाल की बात है और कोई सिर्फ खेती करने वाली सीधी साधी सभ्यता ऐसा तो नहीं कर सकती। तो ये पिरामिड्स असल में काफी हद तक एक मशीन की तरह थे। अगर ग्रेट पिरामिड एक ऊंचे दर्जे की मशीन थी जिसमें एनर्जी पैदा करने की काबिलियत थी तो ये काम कैसे करती थी? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसका जवाब उसके नीचे मौजूद चीजों की जांच से मिल सकता है। सन 2000 में मैरिटाइम इंजीनियर जॉन कैडमैन ने एक थ्योरी सामने रखी कि इजिप्शियंस पास में बहती नाइल नदी से ग्रेट पिरामिड के नीचे बने एक छोटे से कमरे में पानी भेजते थे। उसमें पानी भरने की वजह से ढेर सारा हाइड्रोलिक प्रेशर बनता था जिसकी वजह से पूरा पिरामिड वाइब्रेट करता था। जमीन के अंदर बने कमरे में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे लगता है कि उसके अंदर कभी पानी हुआ करता था और वहां जमीन पर वाटर इरोजन के निशान हैं और दीवारों पर भी है। और ऊपर से देखिए, ये एक हाइड्रोलिक पल्स जनरेटर था, तो इसमें रिफ्रैक्शन वेव बनती थी जो एक बहुत ही लो प्रेशर वेव होती है और वो ऊपर छत तक टकराती होगी। और वाकई वहां पर छत थोड़ी टूट गई है, तो ये देखकर लगता है कि छत से कंप्रेशन वेव्स टकराया करती होंगी। ये बात तो जाहिर है। अगर कैडमैन की थियरी सही है तो वो हाइड्रोलिक पल्स पैदा करने का मकसद क्या रहा होगा? इंजीनियर क्रिस डन का मानना है कि इस सवाल का जवाब उस कमरे में बनी सुरंगों से मिल सकता है जिसे लोग क्वींस चेंबर कहते हैं। इन सुरंगों में बहुत कम मात्रा में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले हैं। मुझे लगता है कि उत्तरी सुरंग से जो केमिकल आ रहा था वो हाइड्रेटेड जिंक था और दक्षिणी सुरंग से जो दूसरा केमिकल उस कमरे के अंदर आ रहा था वो था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये केमिकल उसी कमरे के दीवार पर पाए गए हैं। डन का कहना है कि ये दो केमिकल्स दो सुरंगों से लाए जाते थे और फिर वो क्वींस चेंबर में आकर मिक्स होते थे जिससे कंबस्टन होता था। मान लीजिए कि ये डिब्बा क्वींस चेंबर है। इन दोनों ट्यूब्स में से एक में मैं डाल रहा हूं हाइड्रेटेड जिंक और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इन दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से जो गैस पैदा होती है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। और अब देखिए, इसकी चिमनी से ये जो गैस निकल रही है ये है हाइड्रोजन और ये है इस रिएक्शन का असर। डन का मानना है कि हाइड्रोजन गैस क्वींस चेंबर से निकलकर सीधे किंग्स चेंबर में जाती थी, फिर जमीन के नीचे बने कमरे से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जी देकर उनसे माइक्रोवेव एनर्जी बीम बनाती थी। किंग्स चेंबर में ऐसे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि वहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी। किंग्स चेंबर में भी एक सुरंग थी जिसकी लंबाई चौड़ाई 8.4 और 4.8 थी, जो कि एक मेजर यानी माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन की वेव गाइड के लिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए वो उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। प्राचीन वक्त के इजिप्शियंस ने अपने ओल्ड किंगडम के जमाने में जो भी चीजें बनाई थी उनमें कमाल का हुनर दिखाई देता है, मगर सवाल अब भी वही है, क्या उन्होंने खुद ये सब किया था या उनके पास कोई ऐसी जानकारी या टेक्नोलॉजी थी जो इस धरती की नहीं थी? अगर गीजा सच में एक पावर प्लांट था तो क्या जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट कहते हैं उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के काम के लिए इस्तेमाल होती थी? शायद इस बात के सबूत कि हजारों साल पहले धरती पर बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद थी
एक और रहस्यमय डिवाइस के बारे में जानकर मिल सकते हैं, और वो है आर्क ऑफ द कवेनेंट।